तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अगेन टू अवर चैनल। आज के व्लॉग में हम जाने वाले हैं मंगलदास महाराज के दर्शन करने के लिए अरावली हिल्स के ऊपर, जो हमारे पहाड़ के ऊपर है, कादम से 3 किलोमीटर दूर। तो लेट्स गो फॉर इट। मैं इंट्रो कराना तो भूल ही गया। ये है योगी दादा और ये है राहुल भाई। इनका भी यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब शेयर करें और लेट्स गो फॉर इट। हाँ ठीक है, तो हम इसके अंदर चलेंगे, लेट्स गो फॉर इट। ये सीधा पहाड़ में जाएगा, तो चलते हैं भाई, मिलते हैं आपको। बाय बाय। अब ये देखिए कितना शानदार है, अब ये मस्त सवारी है इसकी, मजा आता है, टुक टुक करके चल रहा है। So guys, you can see लोग घूमने जा रहे हैं, सुबह सुबह का मौसम में। अभी चल चल नहीं, पापा जी मिलेंगे वहाँ पे, घूमने गए तकड़वा माँ के साथ। कितनी मस्त यहाँ पे देखी, ये झोपड़िया बनाई है पुलिया को चुकाने के लिए। यहाँ पे अभी सर्दी का सीजन चल रहा है, तो अच्छा लग रहा है। देखो आज कल तो देखिए बहुत खतरनाक होता है, काट काट। अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए घूमने आ रहे हैं वो, देखिए देखेंगे यहाँ पे पूरी गैंग आ रही है, पूरी पूरी। टाइगर है, देखो देखो टाइगर कितना मस्त है। ओ टाइगर ना, ये देखिए मुसी ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ताऊ जी रहते हैं, यहाँ पे ये राव मुर्गा, यहाँ पे खेत है। अभी आते हैं आपको एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो गाइस देखिए, हम आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ पे कितनी मस्त चर्चा होती है हरियाणा के अंदर। ये देखिए कुछ नज़ारे आपको दिखाते हैं, तो लेट्स फील इट। चले ओ दादा, ओ दादा ठीक से चल दिखा गया हमारा। तो ये देखिए हमारे दादाजी हैं, वो बहुत ही सालों से यहाँ पे रहते हैं, आपको उनसे मिलाते हैं, चलो बाद में घुट जाएंगे। अभी ये दादा है बहुत ही अभी बुजुर्ग हो चुके हैं, एक दादाजी और थे वो यहीं पर रहते हैं स्टार्टिंग से। इनके पास कम से कम 100-200 थी गायों का काफिला होता था वो पहाड़ में। देखिए उधर देखिए, वहाँ पे देखा, यहाँ से आप चोटी देख सकते हो वहाँ पे ऊपर मंगलदास वाली। आज हम वहाँ पे जाने वाले हैं मंगलदास की चोटी के ऊपर। वहाँ पे उस पहाड़ के अंदर चराते थे गाँव को, गाय को। अभी हम इनसे मिलाते हैं। आप घूम गया, मेरा फोटो बनाई जा उसकी, उसके ऊपर जावा पहाड़ के ऊपर, मस्त मस्त बनावा, सही ना। ये फिर से मस्त हो रही, फिर से थोड़ा मस्त सीन दिखावा। रुआ रही थी वो, चल फोटो खींचा जद्दे पहला तो आया घुमा के लवा गम। दादाजी अभी घर पे जाएंगे गांव में, हम जहाँ से आए हैं, तो अभी हम लोग जाते हैं, फिर बाद में मिलते हैं इनसे, ठीक है, आशीर्वाद लेके निकलते हैं, ठीक है दादा, ठीक है। तो चलिए लेट्स गो फॉर इट, तो ठीक है दादा, ठीक है।
मस्त मजा आई। तो चलते हैं, चलो अभी आपको वहाँ पे मंगलदास की चोटी के ऊपर लेके चलते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं अलग अलग सीन्स और थोड़ा। हम देखिए यहाँ पे हमारी गौशाला के अंदर पहुंच चुके हैं। ये देखिए आप सामने गौशाला देख सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे गौशाला है। अभी हम अभी तो नहीं जाएंगे गौशाला के अंदर, अभी पहाड़ के ऊपर जाएंगे क्योंकि आज तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। अभी इसके बारे में भी हम एक व्लॉग में फुल कवर करेंगे। बहुत बड़ी गौशाला है, यहाँ से गौशाला का गांव की तरफ से एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे प्रोग्राम होता है तो स्टेज बनाया गया है, उसके अंदर पार्क है कुछ, इधर गौ माता के लिए स्थान है। ये देखिए दो झंडे भी हैं, हम भी लेके आए हैं दो झंडे, हम ऊपर लगाएंगे जो पुराने वाले हैं। ये यहाँ पे राम प्रताप सेठ जी की मूर्ति बनाई गई है, यहाँ पे इन्होंने बहुत मेहनत की थी बहुत साल पहले ही हमारी इस गौशाला की स्थापना में योगदान रहा है। अभी अभी हम लोग इस रास्ते के द्वारा पहाड़ के ऊपर जाएंगे, पहाड़ के ऊपर जाके आपको दिखाते हैं मस्त सिनेमैटिक व्यूज। और वो ये देखिए गाइस ये कितने मस्त लग रहे हैं, देखो लाइन के अंदर बैठे हैं, देखो कितने पक्षी हैं, हरियाली है वहाँ पे, देखो प्रकृति का निवास है यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग। ये देखिए आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे इतने ज्यादा पक्षी, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा हरियाली है, ग्रीनरी है, नेचर से कनेक्टेड रहे आपके हर बार भी, तब भी आपको जैसे सीजन आता है प्लांट लगाते रहें। तो चलिए चलते हैं फिर से हमारे ब्लॉग में। ये देखिए इधर से रास्ता सीधा गौशाला का रास्ता पहाड़ के ऊपर जाता है। तो ये अभी हम, ये हमारी गौशाला है, गौशाला के नजदीक में ये गाय, ये जितने भी आप खेत देख सकते हो यहाँ पे शायद 50-60 किला है ना, 100 किले मोर देन 100 है यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये देखिए बोरिंग बनाई गई है, चारों तरफ खेत है जितने भी गौशाला में गौ माता की सेवा के लिए दिए गए हैं। यहाँ पे तो देख सकते हो शीर्षम की क्वालिटी अलग है, देखिए बहुत ही अच्छे फूल आए हुए हैं, देखो कितनी मस्त है शीर्षम, बहुत मस्त सीन आ रहा है। देखिए ऊपर पहाड़ देख सकते हो आप, वहाँ पे हम वहाँ टॉप पे जाने वाले हैं, वहाँ पे जो देख देख रहे बाबा मंगलदास का धाम है। तो गाइस एक बहुत अच्छी बात और भी है, जैसे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी हमारे शिव जी भगवान की शिव प्रतिमा बनाई गई है, वो दिखाते हैं आपको, एक्सप्लोर करते हैं, आपको मजा आएगा। आप भी यहाँ पे आओ तो आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आपको रास्ता बता दिया गया है, हम घूमने जा रहे हैं लाइक ये ट्रैवलिंग व्लॉग। अच्छा ना, ये देखिए ये वाले सिस्टम इतनी नहीं है ज्यादा फूल वाली, ये देखिए बहुत ही अच्छी है, मस्त अच्छी बहुत बढ़िया है, हाँ पीस के फली नहीं है भाई। अभी हम जाने वाले हैं इस रास्ते से ऊपर जाएंगे पहाड़ के लिए, उधर तो बहुत ही लेंथ रहता है पर हमें टॉप के ऊपर जाना है ना तो उसके लिए रास्ता रहेगा। तो आज बहुत ज्यादा हवा चल रही है देखिए, हाँ वेदर थोड़ा स्टीमी हो रखा है, देखो वेस्टिम वेदर है बहुत ही तूफानी, पर हम रुकने वाले नहीं हैं, हम फिर भी हम टॉप तक पते करके जाएंगे। वो देखिए यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से देखो टॉप के ऊपर वो दिख रहा होगा, अभी वहाँ पे बहुत अभी दिख तो सामने से रहा है पर उसका रास्ता बहुत डिफिकल्ट है, अब यहाँ से शायद 2-3 किलोमीटर होगा। चलिए चलते हैं, तो हम लोग यहाँ से इसके आउटर पे जाएंगे, यहाँ से होते हुए देखिए लेट्स ट्रैवल एक्सप्लोर फॉर इट। यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा बिल है, यहाँ पे सांप के बिल है ना, मुस्टो भी मुस्टो, यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा यहाँ पे मुस्टक देवता है, ये कितने बिल है मुस्टो के, ये चारों तरफ खोद के रखा है। और देखिए गाइस ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ये देखिए बोन्स है, ये यहाँ पे जो भी डेड एनिमल होता है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए पेड़ देख सकते हो, यहाँ पे पेड़ों की वैरायटी देख सकते हो कितनी मस्त है, ये देखो ये देखिए। और ये आपको दिखाते हैं आप यहाँ पे मोस्टली जो रामदेव के उसमें नहीं दिखाता है चैनल के अंदर, औषधि जड़ी बूटी मिलती है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो पेड़ है ये बेल चढ़ी हुई है, यहाँ पे ये वाला पेड़ है, और ये देखिए ये जो आप अचार खाते हो ना इंग्लिश में और कुछ होगा इसका नाम, पर हमारे हरियाणा में बोलते हैं टिंड का अचार इसको,
ये देखिए यहाँ पे लगता है, यहाँ से एक एक इस कटीली झाड़ी के अंदर से एक एक निकाल के मेहनत करते हैं घर पे जाके, फिर वहाँ पे बाजार में जाके आपको प्रोवाइड करता है। ये देखिए अभी यहाँ पे देखिए एक आधा यहाँ पे देखो लाइव है। हाँ अभी देखिए सीजन थोड़ा खराब है ना, सीजन के हिसाब से यहाँ पे लाल हो गया, वरना ऐसे हाथ डाल के ऐसे अपने हाथों को छिलवाते हुए लोग मेहनत करते हैं। ये हरे रंग का होता है, इसका कलर तो ग्रीन होता है पर अभी सीजन खराब है तो लाल रंग का हो रहा है। चलो तो आगे और दिखाते हैं। ये देखिए ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे ये जो बोलते हैं नागफनी का पेड़ होता है, पर ये मोस्टली जैसे जो डेजर्टी एरिया होते हैं उसके अंदर मिलता है यहाँ पे, पर यहाँ पे भी जैसे पानी की थोड़ी बहुत कमी है इसलिए यहाँ पे भी एक दो हुआ हुआ है। यहाँ पे पहाड़ में देखिए अनेक प्रकार की वैरायटी के पेड़ देखने को मिले हुए यहाँ पे। ये जो ये टिब्बे से बने हुए ना जितने ऊँचे ऊँचे, ये सारे टिब्बे सिर्फ जो यहाँ पे पहाड़ खड़ा है, हवा आती है, हवा के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा ही इनको टिब्बों का निर्माण हुआ है। पुराने वृक्षों में आते हैं, अभी ये बहुत ही कम रह चुके हैं गांव-गांव में या बहुत ही कम जगहों पे देखने को मिलते हैं, पर ये प्रजाति बहुत ही विलुप्त है। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कितना विशाल का पहाड़ हम देख सकते हैं, हमारे जो धरती माता के द्वारा प्रोवाइड किया गया है हमारे अरावली हिल्स में, देखिए हरियाणा की धरती पर, पावन धरती पर। और ये देख सकते हो ये टिब्बे तो हवा के द्वारा निर्मित है। इधर देखिए हाइट देखिए कितनी ऊंची है, पूरे पेड़ के पेड़ इसके अंदर आए हुए। पीछे देखो आपके पीछे कितनी हाइट है टिब्बों की, बहुत ही हाइट तक। ये सारी मिट्टी सिर्फ हवा के द्वारा लेके आई गई मिट्टी है, पर ये साइड आप देख सकते हो ये बांध नुमा जो मिट्टी का टिब्बा बनाया गया है ना, ये इसलिए बनाया गया क्योंकि बारिश के मौसम में यहाँ से इतना पानी निकलता था, यहाँ से 30-30 किलोमीटर के दूर तक के एरिया था वहां तक पानी चला जाता था, पर उस पानी को रोकने के लिए यहाँ पे इसका बांध का निर्माण किया गया है। आपको और भी आगे दिखाते हैं मोस्ट, तो लेट्स गो फॉर इट। ये देखिए राहुल भाई क्या दिखा रहे हैं, वहां पे देखिए ये जो पत्थर की दीवार देख रह सकते हैं ना, वहां पे ये पत्थर ऊपर से आते हैं या पता नहीं और कोई रीजन है इसका, हम तो यही सोचते थे कि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं पहाड़ पे से, उनको रोकने के लिए बनाई गई है, पर यहाँ पे और कोई लॉजिक होगा इसका। पर ये हाँ यहाँ पे देखो वहाँ से पहाड़ से पत्थर गिरते हैं ना, तो वहाँ से गिरते 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 देखो जमीन पे ऐसे आके गिरते हैं, इनको नेचुरल व्यू दिखाओ कितना मस्त लग रहा है। तो गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो कितना ऊंचा ऊंचा यहाँ पे टिल्ले हैं, इनको टिब्बे बोलते हैं हमारे हरियाणा में, और ये मतलब हवा से मने हैं बिल्कुल, उड़ उड़ के जो हवा चलती है ना उनसे। और ये हमारे एक पेड़ है जिसके बेर लगते हैं, ये बहुत अच्छे बेर लगते हैं जो आपको खाते हो ना, वो इन बेरों से लगते हैं, इनको हमारे हरियाणा में बड़बेरी बोलते हैं, ये बहुत अच्छे पेड़ होते हैं। और ये भी एक प्रकार का पेड़ है, इससे औषधियां बनती हैं, बहुत फायदेमंद है हमारे लिए। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, ये हमारे बकरियों मतलब जो बकरियां होती है गोट है उनके लिए काम आती है खाने के लिए, ये बहुत अच्छी चीज होती है उनके लिए। और बकरी होती है वो कुछ भी खा सकती है यहाँ पे, मतलब जो हम नहीं खा सकते, इतनी मतलब कड़वी से कड़वी चीज खा सकती है वो, उसके दूध से मतलब कई बार डॉक्टर ने कहता कि आप गोट का दूध पीजिए, मतलब वो इतना हमारे लिए फायदेमंद होता है, पौष्टिक होता है बहुत, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखिए आगे हम तिरंगे झंडे को देख सकते हैं, देखिए वो लगा हुआ ये पहाड़ के नीचे से, यहाँ से रास्ता जाएगा पहाड़ का ऊपर, तो हम जाने वाले हैं, देखिए आप आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर पानी का एक कुंड बना रखा है और ये पहाड़ के नीचे आ गए हैं हम बिल्कुल रास्ते के पास। हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये रास्ता रहा, और अब आपको दिखाते हैं पानी का कुंड पहले, इसमें पानी है या नहीं है ये हमें नहीं पता। ये तो भाई फिलहाल खाली है, अभी खाली है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे गिराउल ने बताया है कि यहाँ पे देखिए पानी का कुंड बनाया गया है, हम जो देख रहे थे वहां पे जो लाइन दबी हुई थी वो यहाँ पे देखिए यहाँ तक लेके आई गई है,
यहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है, फिर बड़े बड़े पंप्स के द्वारा पहाड़ के ऊपर पहुँचाया जाता है यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की हाइट पे। 2-2.5 किलोमीटर नहीं होगी शायद, कितनी होगी रहा पता नहीं भी, क्या मैं भी कितनी जो भी हाइट है यहाँ से साई की जो पहाड़ी की चोटी है वहाँ तक पानी पहुँचाया जाता है। हाँ यहाँ पे देखिए थोड़ी खेल भी बनाई गई, यहाँ पे जो पशु होते हैं ना, यहाँ पे जो जैसे जो नेचुरल वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, जो जंगली जानवर होते हैं यहाँ पे पहाड़ में जो रहते हैं, वह उनके लिए पानी की थोड़ी सेवा भी की गई यहाँ पे। और यहाँ पे पहले देखो क्रेशर भी था, ये सारा सामान यहाँ से उठा उठा के हमारे भी याद है मेमोरी शेयर करेंगे फोटोज है शायद उसके ऊपर तक पहुँचाते थे इसके ऊपर। ये देखिए यहाँ पे थोड़े बहुत ही अलग ही सिनेमेटिक व्यू है, अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला ऊपर खाली न जाए कुछ लेके जाए, सुख मिलेगा। ईंट को उठा के ले जाना पड़ता था पहले, यहाँ पर ईंट रखी हुई थी वो मूर्ति बनाई तब वो ले गए अभी। हाँ। हमने हमारे बैग में डाल, वहाँ पे प्रतिमा बनी थी, अभी देखिए सामान कितना नीचे रह चुका है, अभी हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए चट्टान देख सकते हो, देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टान है, बहुत ज्यादा भयंकर है नेचर तो भाई ये, कोई मानने ना मानने यार आदमी के बस की बात तो है नहीं, ये भगवान की कुदरत की देन है। और गाइस और एक मस्त चीज दिखाते हैं आपको, देखिए वो सामने भी दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी है, ये जंजीर का पेड़ होता है बहुत मस्त, यहाँ पे मीठे मीठे अंगेरू लगते है ना ये लगे हुए, देखो ये कितने मस्त लग रहे हैं, देखो ये देख सकते हैं आप लोग बहुत ही बेहतरीन है, क्यों थोड़ी जा थोड़ी यहाँ पे। ये देखो पहाड़, हम आपको बता रहे थे कि देखिए मिट्टी के द्वारा जो टिब्बों का निर्माण हुआ था ना, वो देखिए उनकी आप भी कल्पना कर सकते हो हाइट कितनी है। देखो यहाँ पे हम कितने नीचे आ चुके हैं, नीचे से ऊपर कितने ऊपर, और सामने देखो अभी भी 3-3 मंजिल की हाइट के टिब्बे बने हुए हैं प्योर मिट्टी के, सिर्फ हवा का पावर के कारण, हवा में देखो इतनी शक्ति होती है। अभी और दिखाते हैं आपको आगे थ्रिलिंग, लेट्स गो फॉर इट। भगवान ने जैसे प्रकृति में ये पक्षी भी दे दिया गया है पेट भोजन के लिए, पूरे सर्वाइव कर सके यहाँ पे इन्होंने मिला हर तरफ, यहाँ पे पेड़ देखे जाते हैं अंजीर के। हम अभी राहुल हिल्स में है, हाँ जी। देखिए यहाँ पे बाबा मंगलदास जी का धुना है यहाँ पे, और वो आप देख सकते हो पीछे की साइड वो भी बनाया गया है मजबूत रहने के लिए। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए ये इस साइड था यहाँ पे कि कुटिया होती थी बाबा की, जो भी महाराज यहाँ पे आते थे साधु संत वो यहीं पे इस कुटिया के अंदर रहते थे। ये देखिए जो टायर लटका हुआ है, ये देखिए कुटिया, सर्दी गर्मी आंधी तूफान जो भी मौसम होता था वे यहीं पे रहते थे। अभी अंदर से हम इसकी स्थिति देख सकते हैं अभी की,
चलिए गाइज आपको भगवान शिव की प्रतिमा दिखाते हैं और यहाँ के नज़ारे आप देख सकते हो। देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा है प्रकृति का। यहाँ पे आओगे तो मन खुश हो जाएगा। देखिए पहाड़ ये अरावली रेंज है पूरी वहाँ तक की, और ये इस साइड है वहाँ पे कुंड है, पानी का कुंड बनाया गया एक दादा के द्वारा, बहुत 90 साल के अराउंड है उन्होंने, अकेले ने बनाया यहाँ पे कुंड। आगे चलते हैं गाइज, चलिए आपको भगवान शिव की प्रतिमा दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे विशाल का है, बहुत ही अच्छा है और सुंदर यहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन किया गया है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही है, नमः शिवाय, बहुत ही मनमोहक बनाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, अभी ये निर्माणाधीन है, इसका कार्य पूरी हो जाएगी तो और भी अच्छी लगेगी। यहाँ पे देखिए यहाँ से पूरे चारों तरफ के नज़ारे देखे जा सकते हैं, सब कुछ एरिया का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। हर हर शंभु, जय ओ महादेव बाबा की, जय ओ बाबा भोलेनाथ की, जय हो। अभी मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दूँ। यहाँ पे जो देख सकते हैं, मैंने बताया था दादाजी ने अकेले ने 90 साल की उम्र में अकेले ने पानी का कुंड बनाया यहाँ पे जीव जंतुओं के लिए। और उधर देख सकते हैं वहाँ पे सारी अरावली हिल है यहाँ पे, और यहाँ पे इस साइड में देखेंगे नौरंगाबाद चट्टान गांव है, और वहाँ से देखिए पूरा समस्त एरिया का मस्त नज़ारा देखा जा सकता है। ये हमारा इधर कादमा गांव है, देख सकते हो आप। और भी गाइस जो नीचे देखेंगे आप, घाटी देखिए कितनी घाटी, और इसके नीचे देखिए जो मिट्टी के टिब्बे बता रहे थे हम, उनकी हाइट देख सकते हो आप कितने नीचे तक है। अभी बहुत नीचे रह चुके हैं, वो दूर दूर तक टिब्बों को देखा जा सकता है आराम से वहाँ पे, और यहाँ का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे देखिए राहुल भाई क्या कह रहे हैं, ये देखिए हर हर महादेव, महाकाल की कृपा फूल रहे हम पे, जय बाबा की। फिर देखिए योगी, योगी बोल रहे मज़ा आ गया यहाँ पे आके। गाइज मौसम थोड़ा ख़राब है आज, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, देख सकते हो आप यहाँ पे, देखिए पेड़ देख सकते हो। फिर देखिए कितना मस्त नज़ारा है यहाँ पे, जगह बहुत अच्छी है, एकांत में शांति प्रिय है। अभी थोड़ा और डेवलप होने के बाद में बहुत अच्छी पर्यटन स्थल के रूप में भी उभर सकता है यहाँ पे, और हम फिर से आएंगे आपके साथ यहाँ पे, फिर से आपको दिखाएंगे यहाँ पे धीरे धीरे और यहाँ पे अपग्रेड हो रहा है। पहले तो वहाँ पे जो महाराज की वो कुटिया होती थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, अभी तो धीरे धीरे और थोड़ा ठीक कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ का रास्ता ठीक हो जाएगा, पानी वानी की व्यवस्था हो जाएगी तो यहाँ पे और बेहतरीन अच्छा हो जाएगा। ये देखिए कितना मस्त है यहाँ पे, मज़ा आ गया यहाँ पे बाबा के दर्शन किए, और यहाँ से देखिए नेचर को देखकर मज़ा आ गया। तो गाइस अभी हमारा हो चुका है लंच ब्रेक, तो अब कुछ खाना खाते हैं। लंच ब्रेक तो क्या है, ब्रेकफास्ट ही है, कुछ खा के नहीं आए सुबह से, तो कुछ चना और बिस्कुट लेके आए योगी दादा, तो चलिए कुछ खाते हैं बैठ के, फिर आपको और दिखाते हैं नज़ारे। हवा चल रही थी, हमने सोचा पेपर का प्लेन उड़ा के देखते हैं, तो हमने ट्राई किया, ये देखिए पहले वाला फ्लॉप हो गया, दोबारा ट्राई करते हैं डबल इंजन का छोटा वाला, राफेल वाला, देखिए राफेल की तरह ये थोड़ा राफेल जैसा है। ओ ये भी डाउन गया, एक और ट्राई मारते हैं वैसे ही डबल इंजन का, आपके बार देखते हैं लास्ट ट्राई। ओ पेड़ में लज गए, तो बाकी है देखो पेड़ में ही, अभी देखो यहीं पर रुकते हैं, उतारते हैं इसको भी, ये अभी डबल करके उड़ाए नहीं आगे अकेले, ए वो फिर से फ्लॉप, फिर से रह गया, मज़ा आ गया। ये देखिए क्या लिखा है, बाबा की फौज करेगी मौज। तो चलिए वापस घर की तरफ चलते हैं गाइज, हमने पूरा कोशिश किया आपको पूरा टूर कवर करने के लिए। ये हमारे बाबा मंगलदास की चोटी, यहाँ की अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, आप देख सकते हो नीचे सामने भी कितनी गहराई है। अभी हम धीरे धीरे उतर रहे हैं, ये देखिए दीवार भी बनाई गई, इधर पानी की व्यवस्था भी लाइन आ रही है ऊपर की तरफ, अभी आराम आराम से गाइज आज की जर्नी बहुत ही एडवेंचरस रही है। देखिए कितनी गहरी घाटी इधर से, मज़ा आ गया, देखिए सामने पहाड़, हर हर महादेव। हम अब ऊपर जाके आए हैं, अभी हम चलते घर पे, तो ये देखिए हमने बहुत इंजॉय किया, बताओ भाई। यस भैया हमने बहुत इंजॉय किया। ये देखिए ओह नो, ओह इधर देखिए यहाँ पे, और ये देखिए इधर घाटी है। चलिए अभी ये
लिबल उड़ू मैं डोली पे चलू मन की डोली बच गया। देखिए चट्टान के नीचे आ जाते हैं और इनको फली बोलते हैं। जो फली होती है ये बहुत अच्छी होती है हमारे लिए। इसके अंदर पतले पतले दाने निकलते हैं ब्लैक ब्लैक के, जिससे सरसों निकलता है जो आप खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल या फिर और किसी का ब्रांड का ऑयल वो इन्हीं से बनता है। ये है इसके अंदर सब कुछ है। फूल से भी ये बनते हैं, फूल है उनका ये बन जाएगा। तो गाइस हम अपने घर पे जा रहे हैं, वो आगे दीपक भैया जा रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं आगे। तो अब मैं टाइम देख रहा हूँ, क्या टाइम हो गया, टाइम बहुत हमारा। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर पे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो बने रहे हमसे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के लिए। थैंक यू।